11th क्लास में हम एस वन के लिए रिवीजन कर रहे थे, और उसी में हमारे पास जैसे आज हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कंसेप्ट। तो जो सेंटर ऑफ मास था उसके बारे में आपको बताया था कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे पास वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पर हमें ऐसा लगे कि उस बॉडी पर जो अप्लाइड हो रहा है फोर्स वो उसी पॉइंट पर अप्लाई हो, ठीक है, ऐसा हमें लगेगा। कोई भी हमारे पास बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसमें उसमें हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि टोटल फोर्स जो है वो उसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास सिस्टम बना हुआ है या कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बनी हुई है M1, और हमारे पास M2 मास है, ठीक है, इसका ओरिजिन डिस्टेंस R1 है पार्टिकल की, इसकी डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से R2 है, ठीक, तो होगा क्या, यानी सेंटर ऑफ मास होगा हमारे पास ये पॉइंट सी जो सेंटर ऑफ मास है RCM, ये किस टाइप से निकलेगा हमारे पास, RCM इक्वल मिलेगा हमारे पास M1 और R1 प्लस M2 और R2 और M1 प्लस M2, इस टाइप से निकलेगा। जो RCM निकलेगा हमारे पास टू पार्टिकल्स के लिए वो क्या होगा फॉर्मूला, RCM इक्वल M1 R1 प्लस M2 R2 और अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, ये हम याद रखेंगे फॉर्मूला। अगर यही फॉर्मूला हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो तो हमारे पास इस टाइप से लगाया XCM इक्वल M1 X1 M2 X2 और M1 प्लस M2। अगर यही फॉर्मूला हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो तो M1 Y1 M2 Y2 और M1 प्लस M2, ये हो सकता है हमारे पास फॉर्मूला। तो इसी से हमारे पास रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, जो डेरिवेशन से वो आप देख लेंगे। तो अब वो जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उनका मैं रिविजन करा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन गिवन नाम है कि कोई भी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी जो है साइड जो है वो 1 मीटर है, और उसके जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं उस पर 2, 3, 4 किलोग्राम के मास रखे हुए हैं, तो उसको आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ये कि आपके पास कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड इक्वल है, ठीक है, और वो रखा हुआ हमारे पास इस टाइप से, या हमारे पास एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो एक मास यहाँ रखा हुआ कॉर्नर्स पे इसके, यानी वर्टेक्स कहेंगे 2 kg, और एक हमारे पास ए पॉइंट पर रखा हुआ है ये आपका 4 kg, और एक सी पॉइंट पर रखा हुआ है, या इस सी पॉइंट कह सकते हैं ये 3 kg, और साइड कितनी है 1 मीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मीन्स है टोटल साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसमें हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, तो कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो यहाँ ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, 0, इस आप 0 O ही कह लो ओरिजिन, इस आप B कह लो, ये रहेगा तो ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0, 0, यहाँ पॉइंट कितने रहेंगे हमारे पास, ये 1, 0 ये रहेंगे, और वहाँ कितने रहेंगे हम लोग, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे अगर आप, तो टोटल हमारे पास जो साइड है 1 है ये, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करा अगर हम यहाँ से तो कितनी रहेगी, 1/2 रहेगी, तो ये भी साइड कितनी रहेगी, 1/2। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जो हमारे पास एंगल कितना होता है टोटल 60 डिग्री, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री का, तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ से कितना रहेगा, साइन 60 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपको निकालना है कितना होगी हाइट, ठीक है, इस आप डी कह लो जाएँ AD आपको निकालना है, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना 1, तो AD इक्वल हो जाएगा आपका 1 × sin θ, मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, साइन 60 की √3/2, तो ये रहेगा आपका यहाँ पर √3 और /2, ये रहेंगे पॉइंट, तो 1/2 और √3/2 ये आ गई वैल्यू। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आपको XCM फाइंड करना था, तो ये रहेगा आपका M1 X1
एम टू एक्स टू और एम थ्री एक्स थ्री और अपन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है, मिल जाएगा। इस टाइप से वाई सेम निकाल लेंगे, तो वही रहेगा हमारे पास एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री और अपन में एम वन एम टू एम थ्री। आपके पास एम वन भी है, एम टू भी है, एम थ्री भी है, ये वाली आप पुट कर सकते हैं और ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपके, एक्स वन जीरो है, वाई वन जीरो है, एक्स टू वन है, वाई टू जीरो है, एक्स थ्री वन अपॉइंट टू है, वाई थ्री अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू है। तो आप ये वाली यहाँ पुट कर देंगे तो आपके एक्स सी एम और वाई सी एम के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, इन्हें आप करके देख सकते हैं। तो इसी टाइप के जो अदर क्वेश्चन हैं, एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था, और जो डेरिवेशन रिडंडेंस है कंसेप्ट है पूरा सेंटर ऑफ मास का, वो सारा आप कर लेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे एनसीईआरटी के जो आए हुए हैं, इंपोर्टेंट भी हैं।